हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. रेस आईएएस विशेस यू ऑल द बेस्ट विद व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग. आज हम बात कर रहे हैं रिवर सिस्टम के सीरीज की, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 रिवर्स देख लिया है. आज हम फोर्थ रिवर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज गोदावरी रिवर सिस्टम. आइए जानते हैं कि गोदावरी रिवर सिस्टम जो भारत में स्पेशली इन द साउथ जो इतनी प्रोमिनेंट रिवर सिस्टम है, वो कैसे कहां से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होने के बाद अपना लगभग 1000 किलोमीटर का जो सफर है वो कैसे तय करती है, कहां कहां पे आकर के इनसे अलग अलग सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक पे ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक पे ट्रिब्यूटरीज कैसे कैसे आकर के मिलती हैं, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल पे जाकर के बे ऑफ बंगाल में जब ये ड्रेन आउट करती हैं तो किस तरीके से ये सारा का सारा कोर्स इसका तय हो रहा है, आज ये हम लोग जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस नाउ स्टार्ट अबाउट व्हाटएवर वी हैव अबाउट गोदावरी रिवर. बात करते हैं गोदावरी रिवर की. तो गोदावरी रिवर, आपको पता है गोदावरी नदी जो है, गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द पेनिनसुलर इंडिया. सी, पेनिनसुलर इंडिया लिखा है, आई होप आपको पेनिनसुलर का मतलब मालूम होगा. सी, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स, दो तरीके की ओरिजिनेशन होती है. एक होते हैं हिमालयन रिवर्स. आई वुड हैव टू चेंज द कलर ऑफ पेन. यस, हिमालयन रिवर्स होते हैं और दूसरी होती है जो पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी रिवर आती है ये भी देख लेंगे लास्ट में चल के. कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कुछ एडिशनल चीजें भी आपको बताऊंगी, गोदावरी रिवर की कल्चरल सिग्निफिकेंस बताऊंगी, तो वो चीजें देख लेंगे. तो एक होती है हिमालयन रिवर्स और दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स. पेनिनसुला वाला जो रीजन है वहां पे जनरेट होने वाली रिवर्स जो है वो है पेनिनसुलर रिवर्स. तो गोदावरी जो है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट नदी है. गोदावरी बेसिन जो है कौन कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं इसके मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी के यनम वाले इलाके में भी फैला हुआ है. तो अगर हम बात करें इसके टोटल एरिया की, टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ गोदावरी जो है अपने रिच कोर्स से, अपने रिच वाटर डेंसिटी से लोगों को फीड करती है. बात करेंगे गोदावरी की, 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है आफ्टर गंगा. इसी कारण इसको जो है गंगा के ही बेसिकली एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, जैसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और ओल्ड गंगा और प्राचीन गंगा एज वेल. ठीक है, बात करते हैं बेसिन की. तो सतमल हिल्स, बेसिकली ये जो गोदावरी नदी ये ऐसे जाती है, ये कोर्स तय करती है, तो कौन कौन सी पहाड़ियों से, कौन कौन से रेंजेस से बेसिकली घिरी हुई है. सतमल हिल्स और अजंता से घिरी हुई है, महादेव हिल्स ईस्ट में जो है ईस्टर्न घाट से और वेस्ट में जो है वेस्टर्न घाट से. आप पाएंगे कि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ऐसे हिल्स से जनरेट होकर के आती हैं जो डायरेक्टली दे आर कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. दोज आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम सतमल हिल्स और अजंता हिल्स और महादेवा हिल्स. तो ये चीजें हैं. ये जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी का मेन कोर्स जो है, मेन फ्लो जो है वो 3 स्टेट से होकर के निकलता है एंड एट द एंड आंध्र प्रदेश में क्या है कि इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. ये जो है इसके अलावा कर्नाटका, पुडुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले इलाके को हैविली ड्रेन करती है. आपसे मैं बता दूं कि यूपीएससी ने पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, यूपीएससी ने पूछा कि बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं इन सारे स्टेट्स की, इन सारे स्टेट्स में से पूछा कि कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था समवेयर, शायद से ओडिशा या फिर पुडुचेरी की बात करके दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट शेयर, हैज द लार्जेस्ट
वाटर कैपेसिटी कमिंग फ्रॉम द गोदावरी रिवर, और आपके पास अलग अलग स्टेट दिए हुए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अलग अलग स्टेट्स के थ्रू फ्लो कर रही है, जब अलग अलग स्टेट्स की एरियाज को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होकर के फीड कर रही है, तो हम इसकी जो है रेशियो को भी समझ लें। ड्रेनेज एरिया की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरी की पूरी आपकी स्लाइड है, ये पूरी स्लाइड डिस्कस करेगी कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है और कैसे कैसे चलती है, आगे किन किन लोगों से जाकर के मिलती है। तो हम एक मैप बनाते हुए चलेंगे वेरी सॉर्टेड। उससे पहले हम बात कर लें 312,812 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको फीड करती है। महाराष्ट्र में 48%, 48.6, तेलंगाना में 20, छत्तीसगढ़ में 10.9, मध्य प्रदेश में 10%, और ओडिशा में 5.7%, आंध्रा में 3.4% और कर्नाटका में 1.4%। तो व्हेन इट कम्स टू द लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया, इट इज ऑलवेज महाराष्ट्र। ये जो है बेसिकली, अब बात करते हैं ओरिजिनेशन की। एक पॉइंट पे ओरिजिनेट करती है, नासिक के पास है, नासिक का है महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर हिल्स। वहां 1,067 मीटर की हाइट से जो है वो ओरिजिनेट करके आगे बढ़ती है, और यहीं पे आकर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये ऐसे बढ़ रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि राइट साइड से एक सहायक नदी आकर के जुड़ जाती है जिसका नाम है दारना रिवर। दारना रिवर से मिलकर के, दारना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, काला सुबई पीक, एक बेसिकली एक चोटी है काला सुबई चोटी, वहां से जो है ओरिजिनेट हुई दारना रिवर, गोदावरी को ज्वाइन करती है। आगे चलेंगे, अगेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक और आकर के मिलती है। दो नदियां हैं प्रवरा और मूला। प्रवरा और मूला रिवर जो है वो अहमदनगर के प्रवरा संगम यानी कि गोदावरी बह रही है कहीं इस पॉइंट पे, जब अहमदनगर से निकलती है तो एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है, प्रवरा संगम। प्रवरा संगम में जा करके गोदावरी नदी जो है प्रवरा प्लस मूला रिवर से मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे LBT यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ से गोदावरी निकल चुकी है और ये जो है एक लेफ्ट साइड से एक सहायक नदी आकर के जुड़ जाती है जिसका नाम है पूर्णा रिवर। और पूर्णा रिवर को, जब पूर्णा रिवर जो है गोदावरी रिवर को ज्वाइन करती है, उसके ज्वाइन करने से कुछ ही किलोमीटर पहले पूर्णा रिवर को ज्वाइन ऑलरेडी किया है दुधना रिवर ने। तो पूर्णा प्लस दुधना रिवर जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है गोदावरी की, जो कि गोदावरी से कहां पे मिलती है, मिलती है परभानी डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करेंगे, गोदावरी जो है तेलंगाना में एंटर करती है। नाउ गोदावरी विल मूव टू तेलंगाना। तेलंगाना में इसका गेटवे क्या है, गेटवे है निजामाबाद। निजामाबाद वही जगह है जहां पे बेसिकली आपको एक श्री राम सागर डैम, श्री राम सागर प्रोजेक्ट जिसको पोचमपत डैम भी कहा जाता है, वो आपको मिल जाएगा। तो निजामाबाद में गोदावरी का जो कोर्स है उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रोजेक्ट का नाम आपके सामने है। तो तेलंगाना में घुसती है ये गोदावरी निजामाबाद के थ्रू, और यहीं पे आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से सुनिएगा, एक नदी आती है राइट साइड से जिसका नाम है मंजीरा रिवर। मंजीरा रिवर जो है एक बसारा नाम के पॉइंट पे आकर के गोदावरी से मिलती है, और ये ओरिजिनेट बेसिकली कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट्स के बालाघाट बेसिकली हिल से, अहमदनगर से ये जो है ओरिजिनेट होती है। ये जो मंजीरा हिल है, मंजीरा हिल इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। अब बात करेंगे आगे चल के, गोदावरी नदी जब जैसे जैसे आगे चलती है, तीन और नदियां, वारधा जो कि सतपुरा मध्य प्रदेश से निकल करके आती है, पैन गंगा जो कि अजंता से निकल करके आती है, और वैन गंगा जो कि महादेव मध्य प्रदेश से, महादेव चोटी मध्य प्रदेश से निकल करके आती है। ये तीनों की तीनों बेसिकली, वैन गंगा और पैन गंगा पहले वर्धा से मिलते हैं और तीनों के तीनों एक पॉइंट पर आकर के गोदावरी से मिल लेते हैं, और उस पॉइंट का नाम है कालेश्वरम, दैट इज इन तेलंगाना। और जब ये कालेश्वरम पे मिल रहे हैं तो क्योंकि ये एक ही रिवर हो चुके हैं, इनका नाम होता है प्रणीता रिवर। इसी के साथ अब गोदावरी आगे चलती है, राइट बैंक से एक और ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलती है मनेर रिवर, और लेफ्ट बैंक से एक ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलती है इंद्रावती रिवर। इसी के साथ इंद्रावती रिवर जो है करीमनगर में गोदावरी नदी से मिलती है।
करीमनगर में इच्छमपल्ली प्रोजेक्ट जहां पे लोकेटेड है। आगे फर्दर गोदावरी चलती है और अगेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी लेफ्ट साइड से एक और ट्रिब्यूटरी हमें देखने के लिए मिलती है, सबरी रिवर, जो कि कुनावरम गांव, एक गांव है जिसका नाम है कुनावरम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से वहां पे जो है गोदावरी को ज्वाइन करती है। यहाँ होता है गोदावरी का फाइनल कोर्स, जो कि गोदावरी जो है आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके में, कोस्टल एरियाज में एंटर करती है, और एंटर करने के साथ साथ गोदावरी दो पार्ट्स में बट जाती है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठा गोदावरी। इसी के साथ फाइनली जो है ये बहुत अलग अलग छोटी छोटी सहायक नदियां बना करके बे ऑफ बंगाल में जा करके ड्रेन हो जाती हैं। बे ऑफ बंगाल में जब ये जा करके गिरती हैं, ड्रेन होती हैं, तो बहुत ही लार्ज डेल्टा बनाती हैं, और यही लार्ज डेल्टा जो है बेसिकली इनहैबिट करता है, अलाउ करता है हमारी कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो वहां पे पनपे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ व्हाट यू से गोदावरी। अब गोदावरी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, कल्चरल सिग्निफिकेंस पे थोड़ा सा जो है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गोदावरी नदी जो है ये हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है। कुछ एपिक्स हैं, कुछ जो है सेक्रेट बुक्स कह लीजिए या फिर एंशियंट टेक्स्ट कह लीजिए, जैसे कि वराह पुराण, वराह पुराण, और इसी के साथ वराह पुराण के साथ एक रामायण, ये कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें आपको गोदावरी का जिक्र जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। सो इट इज रामायण एंड वराह पुराण। इसको जैसा कि मैंने आपको बताया, बूढ़ी गंगा और प्राचीन गंगा या फिर ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सेवन स्ट्रीम्स निकल करके आती हैं जिनको कहते हैं सप्त गोदावरी। सप्त गोदावरी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोदावरी वेन इट कम्स टू द रिवर कोर्स, रिवर फ्लो ऑफ गोदावरी। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। गोदावरी रिवर के बारे में आपको विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको जितना जानना चाहिए, वी हैव कंप्लीटेड ऑल सॉर्ट ऑफ ओरिजिनेशन फॉर गोदावरी रिवर। मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू एंड जय हिंद।